विवाहित युवा बच्चे भी हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी से ग्रसित होते जा रहे हैं। साथ ही आजकल तेजी से बच्चे इस गंभीर बीमारी के शिकार हो रहे हैं। हाल ही में हुए एक अध्ययन के अनुसार इस बात का खुलासा हुआ कि भारत के 4 राज्यों के ग्रामीण इलाके के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों की बात की जाए तो 23% बच्चे हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं, जो बेहद ही हैरान करने वाली खबर है। हालांकि आगे आपको बता दें कि इसमें से लगभग 13.6% में सिस्टोलिक हाइपरटेंशन देखा गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए डायस्टोलिक हाइपरटेंशन की तो इससे 15.3% बच्चे ग्रसित हैं। साथ ही 5.9% बच्चों में ये दोनों बीमारी देखी गई है। हालांकि इस रिपोर्ट के अनुसार इस बात का भी खुलासा हुआ कि अगर कोई बच्चा बचपन में ही हाई बीपी से ग्रसित होता है तो इससे जब वो युवा पीढ़ी में आता है तो उससे हृदय से संबंधित बीमारी होने का खतरा बना रहता है। हालांकि अगर आपका बच्चा बचपन से ही मोटा और अधिक वजन वाला होता है तो बेहतर होगा कि आप अपने बच्चे को सही इलाज करवाए, साथ ही उसकी डाइट का खास ख्याल रखें, साथ ही बाहर के जंक फूड्स का सेवन कम करने दें। हालांकि आज के समय इस्तेमाल होने वाले चावल बहुत ही कम पच पाते हैं, जिससे आपके ग्लूकोज में वृद्धि होती है, साथ ही आपको भूख भी कम लगती है। इसके अलावा अगर आप अपने बच्चे को हाई ब्लड प्रेशर से बचाना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने बच्चे को शुरुआती से ही पोषक तत्वों का सेवन करवाएं। साथ ही मोटापे को दूर करने के लिए एक्सरसाइज करवाना ना भूले, जिससे वह काफी हेल्दी और सेहतमंद बना रहे। हालांकि आपको आगे बता दें कि अगर आप बचपन से ही स्वस्थ और हेल्दी भोजन का सेवन करते हैं तो आगे जाकर किसी गंभीर बीमारी के होने से बचे रहते हैं। साथ ही स्नैक्स का सेवन ना करने दें और कैलोरी से भरपूर भोजन को बच्चों को ना ही खाने दें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो वहीं बच्चों को लगातार एक ही जगह बैठे रहने से भी काफी हद तक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसा करने से आपके बच्चे हाई बीपी से ग्रसित हो सकते हैं। बेहतर होगा आप अपने बच्चों को एक्सरसाइज करवाना ना भूलें। क्यूरन हेल्थ डेस्क से रानी की रिपोर्ट।